हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आऊँ, आज एक टॉपिक लेकर आऊँ। आज हमारा टर्टल्स का टैंक प्लस बेबी टर्टल्स अपडेट है और कैसा केयर करते हैं बेबी टर्टल्स को, वो भी हम आज बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मेरे पास भी टर्टल्स है ऑलरेडी, हालांकि मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर कि कैसा हम टर्टल्स को केयर करते हैं, लेकिन फिर बैक टू बैक लोग पूछते रहते हैं कि भाई टर्टल्स को कैसा केयर करें, तो सजेशन दे दो क्या करें कैसा करें। तो इसलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट तीन चीज़ों की बात करेंगे। एक तो टैंक हमने रिसेंटली बनाया था, ये इसका अपडेट और बेबी टर्टल्स अपडेट, और इसमें दो दिन का बेबी टर्टल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले उससे हम शुरू करते हैं वीडियो। दो दिन का ये हुआ है रिसेंटली, ये देखिए दो दिन का टर्टल है, ये अभी देखिए इसका सैक जो है दो दिन में ये ख़त्म हो गया। जो नीचे का सैक आता है ना, वो दो दिन में ही इसका सैक जो होता है वो ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर जो दूसरे टर्टल्स हैं, ये वाला टर्टल जो है एक महीना हो गया, ये टर्टल है एक महीना का बेबी टर्टल जो तकरीबन थंब साइज है, और ये थंब साइज से भी छोटा है। तो ये 30 डेज प्लस बेबी टर्टल ये वाला है, और ये 2 डेज ओनली न्यू बॉर्न बेबी, टू डेज टर्टल। तो दोनों का फ़र्क देख सकते हैं हम पर साइज़ के हिसाब से, एक 30 डेज का कितना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा लगभग हो जाता है जो एक्टिव हो जाता है और काफ़ी हाथ पैर मारने लगता है, और ये वाला 2 डेज़ का है, अभी भी थोड़ा इनएक्टिव है क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा ही होते हैं टर्टल्स। और थंब साइज़ भी नहीं, थंब साइज से भी छोटा है, और इसका सैक जो है ना वो दो दिन में जा चुका है। तो ये टर्टल्स के हम अपडेट करेंगे कि अपडेट क्या क्या होता है, क्या फ़िट करना है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि भाई टर्टल्स को क्या फ़िट करना है हमारे टर्टल्स को। तो फीडिंग भाई वही जो पैलेट्स होते हैं बड़े टर्टल्स को हम फ़िट करते हैं वही फ़िट करना है, पानी में डाल के छोड़ देना है तो वो ऑटोमेटिकली आकर उसको खाएगा। तो इसकी केयर के लिए बहुत सारे लोग को पूछते रहते हैं, तो मैं टिप्स थोड़े शेयर कर देता हूँ। देखिए केयर के लिए सबसे बड़े टैंक इंपॉर्टेंट है, टैंक में आप रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छोटे टब में रखते हैं, एक मटकी में रखते हैं, बहुत सारे लोग ले जाकर एक टब में रख देते हैं, एक छोटी मटकी में रखते हैं, एक बॉल में रखते हैं। देखिए टर्टल्स के लिए वो सफिशेंट नहीं है, टर्टल्स के लिए बास्किंग एरिया चाहिए जहाँ पर वो आकर वो आराम से बास्किंग एरिया कर सके। टैंक में पानी होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, पानी इतना होना चाहिए कि अगर वो ऊपर खड़ जाए तो उसकी गर्दन जो है पानी से बाहर आना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ तक पानी फिल कर देते हैं, स्टार्टिंग तो टर्टल अच्छे से स्विम करता है एंजॉय करता है, लेकिन बाद बाद में जाकर बीमार हो जाता है क्योंकि पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो पानी में ज़्यादा नहीं रह पाता। ज़्यादा पानी में रहने की वजह से उसका शेल जो है सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में जो है टर्टल्स जो बेबी टर्टल होते हैं एटलीस्ट 6 महीने तक का उनका जो केयर लेवल होता है वो अलग है, बड़े टर्टल्स के लिए अलग है। इनके लिए बहुत ही नाजुकी से देखा जाता है, इसलिए इनको क्या करना है, यूवीलेट अगर थोड़ा बहुत कम कर दोगे तो उनकी आंख बनना स्टार्ट हो जाएंगी, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, इनएक्टिव रहेंगे। यूवीलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यूवीलेट है मैं डाल के दिखाऊंगा, लेकिन अभी क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वीडियो में फोकस थोड़ा डिस्टेंस होता है इसलिए मैंने बंद किया है। बास्किंग एरिया बहुत ज़रूरी है, बास्किंग एरिया आप खुद बना सकते हो, मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर दिखाया। ये तरह का टैंक आप 600-700 रुपये बना सकते हो, मैंने वीडियो बनाया, यहाँ पर ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जाकर देख सकते हो। या आप रेडीमेड भी खरीद सकते हो एक्वेरियम शॉप में, 800 रुपये से 1000 रुपये से आपको बास्किंग एरिया मिल जाएगा, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्टल्स के लिए 75% पानी चाहिए, 25% लैंड एरिया चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करना चाहिए। और पानी जो है हर 2-3 दिन में पानी चेंज करना है, क्योंकि पानी में पोटी भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं। छोटे टर्टल्स के लिए फ्रीक्वेंटली पानी चेंज करना भी कभी कभी इफेक्ट कर जाता है, इसलिए क्या करना है आपको, हफ्ते में 2 टाइम एटलीस्ट पूरा का पूरा पानी चेंज करना है। फीडिंग में जो नॉर्मल प्लेट्स आते हैं वही दे सकते हो। यूवीलेट डेली 8 घंटे इनको मस्त देना है, 8 से 10 घंटे यूवीलेट देना ही है, वो एक चीज़ का ध्यान रखिए। और टर्टल्स को एसी रूम में नहीं रह सकते, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं एसी रूम में रह सकते हैं, क्योंकि टर्टल्स बहुत सर्दी की वजह से बहुत नरम हो जाते हैं, स्पेशली छोटे टर्टल्स, क्योंकि मैंने 4 साल से इनको रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस्टेक भी की, उस मिस्टेक से मैंने सीखा है, वो सीख आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टर्टल्स को अगर छोटे टर्टल्स को आप केयर करना चाहते हैं तो बास्किंग एरिया ज़रूरी है, अच्छा टैंक होना चाहिए, यूवीलेट चाहिए, और फीडिंग में आप स्टार्ट जो नॉर्मल प्लेट्स आते हैं टर्टल्स के वही ऐड कर सकते हो। पानी में डाल के छोड़ना है, बाहर नहीं करना है, क्योंकि ये अक्वाटिक एनिमल्स हैं। अक्वाटिक एनिमल्स बगैर पानी के कुछ भी चीज़ स्वैलो नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते। हम लोग क्या अगर सूखी चीज़ भी खा जाते हैं पानी की बहन, लेकिन इनका क्या है, बाहर अगर आप कुछ भी खिलाओगे तो अंदर वो स्वालो नहीं कर सकते, उनको पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्वाटिक एनिमल है, इसलिए पानी के अंदर ही फूड को डालना है, वो आकर खाएंगे। कभी कभी लेट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फास्ट
पिकर नहीं है टर्टल्स, कभी कभी आधा घंटा भी टाइम लगाते हैं, एक घंटा भी टाइम लगाते हैं, इसलिए आपको टाइम लेना है, डालकर छोड़ दो, आधा एक घंटा वेट करो, अनइटन फूड बाद में निकाल कर फेंक दो। फिल्टर बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हैंग ऑन बैक फिल्टर बहुत बेस्ट है इनके लिए। टॉप फिल्टर इंटरनल फिल्टर सही नहीं है, क्योंकि टॉप फिल्टर इंटरनल फिल्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से टर्टल्स को स्विम करने में दिक्कत होती है, बाद में जाकर वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए वो चीज़ का ध्यान रखें, पानी रेगुलर बेसिस चेंज करते रहे, और सक्सेसफुली जो है उनको ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम टैंक चेंज करते रहना चाहिए। जैसा मैंने रखा था, आपने देखा था, पहली बार जब टर्टल लेके आया 1 फीट टैंक में रखा था, थोड़े बहुत बड़े हो गए 1.5 फीट में रखा, थोड़े बहुत बड़े हो गए 2.5 फीट रखा, थोड़े बहुत बड़े हो गए 3 फीट में रखा, थोड़े बहुत बड़े हो गए, फिर उनको एक पोंड बना लिया ताकि उसमें परमानेंटली वो रह पाए। अभी वो पोंड भी बहुत कम पड़ रहा है, उसके लिए कुछ फ्यूचर में प्लान करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका एक स्टेबल नहीं है, फिश टैंक के जैसा नहीं। फिश टैंक देखिए, अभी 3 फीट टैंक में रख दिए, इसको आप 10 साल तक 5 साल तक उसमें फिशेस रख सकते हो, जब बड़ी हो जाएगी तो आप शिफ्ट कर सकते हो टैंक को या फिशेस को, लेकिन इनका ऐसा नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली बढ़ते रहते हैं। इनकी स्पीड जो होती है ग्रोथ की बहुत फास्ट होती है, उसके हिसाब से आपको टर्टल टैंक भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट है, आप खरीद सकते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा मिनिमम जो है स्टार्टिंग ही आप 2 फीट टैंक स्टार्ट कर ले, 2 फीट टैंक से रखोगे एटलीस्ट आपको 2 साल तक तो आपको टैंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पानी हाँ रेगुलर चेंज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, घर में स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, कोई मेहमान आएंगे बोलेंगे क्या स्मेल होती है, क्योंकि मेरे पास में घर में रखा था टैंक को, ये 3 दिन में इतना गंदा कर देते 4 टर्टल्स मिलके, पानी गंदा स्मेल आता कि कोई घर पे आता बोलता कि क्या गटर जैसी स्मेल आ रही है, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लेकर आप हॉस्टल में या कहीं पर रखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ज़्यादा केयर करना पड़ता है। अगर आप घर में रख रहे हो तो अच्छा है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एज ए पेट हॉस्टल में या कहीं अपने रूम में रखना चाहते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप फिशेस के ऊपर चले जाओ, फिशेस रख लो, टर्टल को मत रखो, क्योंकि टर्टल इट नीड मोर टाइम एंड बहुत सारी ध्यान देखना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख ले तो काफ़ी ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। मैं देखिए यूवीलेट आपको ऑन करके दिखाता हूँ, यूवीलेट में भी 2-3 टाइप के आते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोलेबल आता है, ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में एक्वेरियम शॉप में मिल जाएगा, इसी तरह का कंट्रोलेबल आपको लेना है, क्योंकि आप डायरेक्ट लोगे तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग ले रहे हो तो 75 वाट्स का आप यूवीलेट ले लो, क्योंकि 75 वाट्स का लोगे तो वो आपको कम से कम 3-4 साल तक चल जाएगा। और एक कंट्रोलेबल लो, किसके अंदर आप जितनी चाहे ऑफ ऑन कर सकते हो, जितना चाहे कंट्रोल करके ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ले लोगे तो उसको कम ज़्यादा का ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा यूवीलेट हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आपका यहाँ बासकिंग एरिया जल सकता है ज़्यादा यूवीलेट होने की वजह से, प्लास्टिक का टैंक है जैसा कि टॉप वगैरह है तो वो भी मेल्ट हो सकता है। यूवीलेट बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, हीट बनाता है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंट्रोलेबल वाला ले बहुत बेस्ट है। अभी मेरा कंट्रोलेबल वाला मैं यहाँ पे चला गया, मैं आपको वरना ऑन कर दिखाता, पुराने वीडियो में कहा यहाँ पर क्लिप आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं उसको कैसा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक लाइट इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास इतना बजट नहीं है, 1200 रुपये का 1600 रुपये का यूवीलेट आता है, तो मैं कैसा जुगाड़ू आइडिया करूँ, तो जुगाड़ू आइडिया देखें, यहाँ पर 20 रुपये वाला जो बल्ब आता है, 15-20 रुपये वाला बल्ब, उसको होल्डर की मदद से मैंने वहाँ पर लगा दिया है। ये 60 वैट्स का है, 60 वैट्स का लगाना है, बास्किंग एरिया से 12 इंच की दूरी में रखना है, 12 इंच की दूरी बड़े टर्टल्स के लिए। छोटे टर्टल्स के लिए 8 से 10 इंच या 12 इंच चल सकते हो, 8 इंच मिनिमम होना चाहिए, 12 इंच तक भी रख सकते हो, ज़्यादा हाइट भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं रहना चाहिए। तो इतना 10 से 12 इंच का गैप रखे बासिंग एरिया से, डेली 8 घंटे रखना है। जब 8 घंटे आप इसको रखोगे तब ये एक्टिव रहेंगे, इनको रोशनी मिलती रहेगी, सूरज की रोशनी की अल्टरनेटिव हम देना जा रहे हैं इसको, तो इसलिए अगर इनको रोशनी मिलती रहेगी, गर्मी मिलती रहेगी तो एक्टिव रहते हैं। अगर आप 4-5 दिन विदाउट यूवीलाइट रखोगे तो वो बीमार हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। देखिए अभी मैं लाइट डाल रहा तो पूरे बाहर आ रहे हैं, पहले छुपे हुए थे, अभी लाइट डाल रहा हूँ तो पूरे बैक टू बैक बाहर आ रहे हैं। और इस तरह का आप रखोगे तो हाइडिंग प्लेस भी बहुत ज़रूरी है टर्टल्स के लिए। अगर आप इस तरह का सेटअप बनाओगे तो बास्किंग एरिया के नीचे हाइडिंग प्लेस की जैसे जाकर छुप जाएंगे। देखिए अभी लाइट डालने की वजह से पूरे के पूरे बाहर आ रहे हैं, पहले एक जगह छुप गए थे, इनएक्टिव थे, जब से लाइट डाला है वो थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, पूरे के पूरे कैसा देखिए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है रोशनी की, वो प्रेफर करते हैं बास करने को, मज़ा लेते हैं वो बास करते करते। देखिए सबको मैंने बाहर ले लिया, अभी टोटल 9 है, 2, 4, 6, 8, 9 टोटल 9 है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे बेबी टर्टल्स हैं। इनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, मैं 2 ही अपने पास रखूँगा, जैसा मैंने पहले भी कहा था 2 ही अपने पास रखूँगा, बाकी एक गिव अवे के लिए मैंने रखा हुआ है, आई होप गिव अवे कोई ना कोई इनका विन हो जाए।
और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपने गिवअवे में जो शर्त रखा है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर 3 महीने में 4 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए तो मैं नहीं रखूँगा, ये क्या वार्निंग है ऐसा। भाई वार्निंग की बात नहीं है, देखिए इतने सारे टैंक्स हैं यहाँ पर, ये सब टैंक्स को रखना, इनको मेंटेन करना, इनकी देखभाल करना, ये टैंक्स हैं यहाँ पर भी, देखिए टैंक्स हैं ऊपर, पोंड है, इन सब का एक एक टैंक एक घर में रख के अंडर वन रूफ एक आदमी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है, इनका मेंटेनेंस भी कॉस्ट होता है और देखभाल करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना चाह रहा अपने पास, ऊपर भी टर्टल्स हैं, इतने सारे टर्टल्स रखूँगा तो कहाँ इनको देखभाल करूँगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपने पास नहीं रखूँगा तो मैं 3 महीने वेट करूँगा, अगर हो गए तो सही है, नहीं तो मैं देखता हूँ उसके बाद क्या होता है। लेकिन अपने पास तो 2 ही रखना है, उसके बाकी के सब निकालना है, गिवअवे में हो या ऐसे ही हो। तो है होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये टर्टल टैंक इस तरह का आप सेटअप टोटली विदाउट स्टैंड आप 600 से 700 रुपये तक में बना सकते हो। तो बस आज का टॉपिक यही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।